नंगल के साथ लगते विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र में लोग खूंखार हिंदुओं के खौफ में जीने को मजबूर हो रहे हैं और वन विभाग के लाख प्रयासों के बावजूद खूंखार पिंजरे में कैद नहीं हो पा रहा है और ये खूंखार कई ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी दस्तक देते हुए दुधारू पशुओं के अलावा कुत्तों को भी अपना नवाला बना चुका है। ताज़ा मामला सामने आया है नंगल के साथ लगते गांव निक्कू नंगल में। यहां देर रात सुरजीत नामक व्यक्ति की पशुशाला से खूंखार तेंदुआ लगभग 2 महीने की बछड़ी को अपना नवाला बना चुका है। सरपंच बबरीत सिंह ने कहा कि इससे पहले भी खूंखार तेंदुआ और कई जानवरों को अपना शिकार बना चुका है और विभाग की ओर से कई बार पिंजरा लगाया गया लेकिन तेंदुआ पिंजरे में नहीं फंसा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जंगली जीव सुरक्षा विभाग द्वारा इस तेंदुओं को पकड़ने के लिए कब कार्रवाई शुरू की जाएगी। सरपंच साहब दसो कि थोड़े पिंड चीता बहुत घूम रहा, लोगों का जानवर नुकसान हो रहा। लगभग 3-4 साल हो गए जी। पहले भी इतने जब भी जो गरीब लोगों ने जीवन यापन तो सारे डंगर पशु है या खेतीबाड़ी है, ये बकरियां चार दे अपन या गाइया मझा। चीता सामने तो ही जो तेंदुआ है सामने तो ले जाएगा तो चक है, फिर बंदा क्या करे। हूँ तो अज तो बिल्कुल घर च ही बढ़ गया है, होर बच्चे सैर करते हूँ शाम के टाइम, फिर बच्चे भी खतरा हो गया। हूँ तो पहले थोड़ी दूर तो हूँ तो घर है, घर तुम देख लिया मौके का। ये ताजी की 1-1.5 महीने बच्चा था गाय का, उन्होंने लै गया चक है। बाकी थोड़ा होटली वगैरह इतने बेही, बाकी पिंजर पुंजर तो लै गया चक। असं यही डिमांड करते सरकार मोहर है भी यदा जल्द जल्द हल किया जाए। तो सरपंच पहले नहीं कभी प्रशासन को यह मुद्दा चुकया? प्रशासन पहले भी थले पुज गया उत्थे महिंदर सिंह डेयरी वाला कोई वो उत्थे भी पिंजरा 2 महीने उत्थे ला रखा पर पिंजरे जाता नहीं है। फिर जेडे आम जिन्हों का रोटी पानी खर्चा सारा डंगर पशु के साडे पिंड है इदा ही है, खेतीबाड़ी पर निर्भर है, तो उनका नुकसान हो रहा, वो क्या करना फिर की डिमांड करते हो? डिमांड यही करते भी माड़ा मोटा जो इनका बनता मुआवजा दिता जाए। की नाम है जी? मेरा नाम मधुबाला। मधुबाला की दिक्कत की परेशानी की होया? साडे पिंड विच चीता घूम रहे हैं जेड़े सारे नु बहुत दिक्कत आ रही है ते इदे वास्ते साडा हल कीता जावे। नुकसान साडा पिंड दा बहुत हो रहा ते विच गाइयां वगैरह बहुत खादी जा रही हैं ते साडे कुत्ते वगैरह गाइयां मज्जा वगैरह सब कुछ बहुत नुकसान हो रहा। बकरी वगैरह रात ही साडा अंदर बंद छोटी बच्ची पता नहीं जानवर पहला भी कई बार घूम रहा जी, इतने मतलब कई वारदात हो चुकी जी, ते कई शेलू भी चक्के लै गया, कुत्ता तो कोई छड़िया ही नहीं जी इस एरिए। फिर आज जो सवेरे उठे जी देखा खुंडे दे नाल कल्ला रस्ता ही है गया जी, जो थोड़ा सैड तो जाकर थोड़ा जहा समान छड़िया उन्हें बाकी लै गया जी चक है। सो इस करके प्रशासन तो यही मांग है भी पिंजरा लगा के ना इस जानवर को किसी ना किसी तरीके काबू किया जाए। सर पहला भी वारदाता कर गया जी, कई बहुत शेलू मोहरे तो चक लेंदा सर, जिमें चुगने छड़ देना जी कोलो चक लेंदा सर, पता ही नहीं लगता कई बार। सारे बच्चे देखो डंगर के कोल हुण हर वेले तो रहिंदे ही है जी, घूमते फिरते रहिंदे, लाड प्यार घा पट्ठा पाना ही पैंदा जी, इस करके बच्चों नूं भी दिक्कत है जी। दहशत है? दहशत तो है ही है सर, रात नूं कई वारी आवाजां भी आउंदियां सर बोलने दीआं जी, फिर दहशत सर हुंदी होई है। सो इस करके प्रशासन तो यही मंग है जी इस जानवर नूं जल्दी जल्दी काबू किया जाए जी। सुरजीत दसो किदां दा नुकसान होया? नुकसान मतलब जी रात सुत्ते पए सी, हां ते रात नूं कड़े ए नहीं पता कड़े वेले जानवर चीता है जी, सुते सवेर चौन आए उस वे मतलब बच्चा है ना सो। बिल्कुल ही खा गया? हाँ जी बिल्कुल खा गया जी, मतलब अंदर मतलब चढ़े का होंगे उ रहा वा, हाँ। चक के पता नहीं किधर लै गया किधर नहीं। अक्सर ऐसा हो पहली बार ऐसा होया नहीं अगर भी मतलब इतने पर 2 दिन बकरियां कुत्ते लै गए चक के, साढ़े भरा की बकरी कोल होंगे 4 दिन मतलब लैके रहा पे जंगल बने जी।